नमस्कार, मैं हूं नवरागे भांते। क्या नया हो रहा है खेल जगत में? भारतीय टीम के अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में भारत के लिए श्वेता शेरावत ने सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि प्राक्षी चोपड़ा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटके। प्राक्षी चोपड़ा ने इस टूर्नामेंट में 10 विकेट झटके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खिलाड़ी की कहानी बेहद फिल्मी है? दरअसल प्राक्षी चोपड़ा के पिता और चाचा क्रिकेटर रह चुके हैं। इस तरह प्राक्षी चोपड़ा ने खून में ही क्रिकेट है, लेकिन वो अपने शुरुआती दिनों में स्केटिंग को ज्यादा तवज्जो देती थी। पिता चाहते थे कि बेटी क्रिकेटर बने, ऐसे में प्राक्षी ने स्केटिंग छोड़ क्रिकेट को अपना प्यार बनाया, जबकि वो स्केटिंग में उत्तर प्रदेश के अंडर 14 प्रतियोगिताओं में सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी है। प्राक्षी चोपड़ा ने पिता के कहने पर क्रिकेट अकेडमी का रुख किया। बहरहाल क्रिकेट में उन्होंने लेग स्पिनिंग गेंदबाज को चुना। इसके बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए पहला मैच खेला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने पहले मैच से ही चोट का शिकार हो गए, जिसके बाद कोच ने कहा कि अगर वो ठीक नहीं हो तो बाहर बैठ सकती है। दरअसल प्राक्षी के होठों पर चोट लगी थी और सिंजन आ गई थी, लेकिन महज कुछ समय बाद ही मैदान पर वो लौट आई। उन्होंने असम के खिलाफ 3 विकेट लिए और अपनी अलग पहचान बनाई। बताते चले कि विमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए प्राक्षी चोपड़ा ने सबसे ज्यादा विकेट झटके। प्राक्षी चोपड़ा ने 5 मैचों में 20.11 की औसत में 9 विकेट झटके। वहीं भारत इंग्लैंड फाइनल मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। शिपाली वर्मा की टीम को जीत के लिए 69 रनों का लक्ष्य मिला था। टीम इंडिया ने 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस टूर्नामेंट में श्वेता शेरावत ने 99 की औसत से रन बनाए। ये इस टूर्नामेंट में किसी बल्लेबाजी से सबसे ज्यादा एवरेज है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। देखिए साथ ही हमारे चैनल स्पोर्ट्स बीट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।